इस तरह अगर हम ईयर को देखें तो इसकी एज बनती है 26, लेकिन 26 एग्जैक्ट नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। आपने इसकी जो एज है ना उसको इस अंदाज से लेना है कि अगर एग्जैक्ट एज वो पूछेगा तो 25 साल और कुछ महीने बनते हैं। अगर ईयर को देखें तो वहां से 26 साल ही नजर आ रहे हैं। इसकी जो पैदाइश है वो अक्टूबर के महीने की है, यानी कि इकतीस अक्टूबर इसकी बर्थ है 1795। अब देखें अक्टूबर का महीना भी खत्म और आगे जस्ट नवंबर और दिसंबर दो महीने आगे रह गए और ये फेब के अंदर इसकी डेथ होती है 1821 फेब में। इस तरह ये एक साल तो माइनस कर देना ईयर के हिसाब से, अगर आप मंथ को काउंट करेंगे तो एक साल माइनस कर दे तो 25 साल और एक दो महीने आ गया, पूरी 26 साल एज नहीं है इसकी। ईयर को देख के हमें 26 लगता है और अगर ये ऑप्शन आ जाए 25 साल की तो आपने इसी को मार्क करना है, लेकिन अगर 25 साल की ना आए और बाकियों का फर्क हो और 26 साल इसकी टोटल एज आपके सामने हो तो 25 साल का आपको ना नजर आए तो फिर आप 26 को मार्क करिएगा, अदरवाइज आपने 25 को ही मार्क करना है। और हाँ, ये उसके बाद ये दूसरा पॉइंट इसमें एडोनिस के हवाले से है, मैंने बता दिया कि एडोनिस क्या है, ये एक एलजी पोइम है। एलजी पोइम की डेफिनेशन भी साथ मैंने दो वर्ड लिख दिए हैं कि डेथ पोइम को एलजी कहते हैं और ये एडोनिस शैले ने लिखी है अपने दोस्त की याद में। अच्छा, अब वो एक और बात आपसे पूछ सकता है, ये मैं उसकी एडोनिस की दो लाइन लिख रहा हूं, हिज फेट एंड फेम शैल बी एन इको एंड आर लाइफ अनटू इटर्निटी। ये लाइन वो पूछेगा कि ये लाइन कहां से है, ये लाइन जॉन कीट्स के इजाज में उसने कहा कि उसकी शोहरत और उसकी उसका मुकद्दर वो हमेशा हमेशा एक रोशनी की शक्ल में या एक आवाज की शक्ल में हमेशा हमेशा रहेगा। ये जॉन कीट्स ने खुद भी अपनी एटर्निटी के ऊपर उसने एक लाइन बोली थी कि वो जिंदा रहेगा पानी में, वो पानी में उसको वो जिंदा रहेगा। और उसने जॉन कीट्स ने अपनी मौत से पहले भी अपने ऊपर ये कहा था कि मेरा नाम मेरी मौत के बाद, मेरा नाम फेमस होगा मेरी मौत के बाद। इन लाइंस को मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस की शक्ल में लिख देता हूं और ऐसा ही हुआ कि उसका नाम उसकी मौत के बाद जिंदा हुआ। मौत के बाद अगर नाम जिंदा हो तो इसके लिए वर्ड है पोस्ट्यूमस, पोस्ट्यूमसली ही गॉट रेपुटेशन पोस्ट्यूमसली। पोस्ट्यूमस रेपुटेशन क्या होती है, जब एक राइटर मर जाता है और मरने के बाद उसकी रेपुटेशन होती है, लोग उसको बाद में जानते। और एक बात तो ये है कि ये जो दो लाइंस हैं इन दोनों लाइंस की शनाखत आप कर लें, ये एडोनिस की लिखी हुई उसके अंदर शैले की लाइंस हैं, स्टेट एंड फेम शैल बी एन इको, उसका नाम और शोहरत एक आवाज की शक्ल में हमेशा रहेगी, एंड लाइट अनटू इटर्निटी या एक ऐसी रोशनी की शक्ल में जो अब्दियत की तरफ जाएगी। और इसके ऊपर आपने ये भी एक पॉइंट रेडी करना है कि जॉन कीट्स की जो कब्र है वो रोम इटली के अंदर है। ये समंदर के सफर पे जा रहा था, इसको साथ इसके दोस्त को भी ऐड कर लें, वो भी समंदर के सफर पे जा रहा था तो रास्ते में उसका उसकी डेड बॉडी पानी पे तैरती हुई मिली शैले की, जिसने ये एडोनिस लिखी है। और ये भी बीमार हुआ था जब ये समंदर के सफर पे जा रहा था और रास्ते में ये बीमार हो गया, इसको पहले टीबी का मर्ज था। इसके भाई का नाम टॉम है, टॉम की मौत वाकई हुई थी इसे एक साल पहले और टॉम मरा था, इसका जो भाई मरा है वो भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मरा है। और आप जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस लंग्स को डैमेज करता है, तो जब ये समंदर के सफर पे जा रहा था तो रास्ते में इसको लंग्स उमरज हुआ, जैसे ब्रेन उमरज होता है इसी तरह इसको लंग्स का उमरज हुआ और इसने 2 कप भर के ब्लड वॉमिट किया। ये बातें आपने ज़हन में रखनी है, इंटरेस्टिंग हो जाएंगी और आपको इसकी पूरी लाइफ स्टोरी की समझ आ जाएगी।
उसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर सेट होगा तो आप उसको इजीली हैंडल कर लेंगे। जब ये जा रहा था और रास्ते में इसको ब्लड की वॉमिटिंग होती है, और कितना ब्लड वॉमिट किया इसने, 2 कप भर के, यानी चाय के 2 कप भर के इसने वॉमिट किया, और आगे चंद दिन ये सख्त बीमार रहा। और अगर आप इसके, मैंने पहले शेयर कर चुका हूं, इसका ब्रदर टॉम भी मर गया टीबी की वजह से, इसकी मदर भी मरी टीबी की वजह से। इसकी मदर की डेथ 1810 में हुई है, पर मदर की डेथ जो है, इसकी जो डेथ है उसको मेमोराइज करना जरूरी नहीं है इतना, लेकिन फिर भी अगर जेन में स्टोर कर जाए इसकी माँ की डेथ कब हुई, 1810 में, और वो भी टीबी की वजह से। और टॉम की डेथ, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी मौत के 1 साल सिर्फ पहले इसका छोटा भाई जो टॉम है उसकी मौत भी टीबी की वजह से 1 साल पहले, मीन टू से 1820 में वो मरा। और अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यूज के हवाले से आपने अपने माइंड में स्टोर करने हैं। इसने अपना पूरा जो राइटिंग करियर है, बड़ा छोटा सा इसका राइटिंग करियर है, मिसाल के तौर पर आप ऐसे समझें कि इसकी एज भी ऑलरेडी आप जानते हैं बहुत थोड़ी सी एज है इसकी, और राइटिंग करियर की बात करें तो वो सिर्फ इतना सा है। मैं एक लाइन ड्रा करके आपको बता देता हूं, राइटिंग करियर इसका, चलें ये एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूं, इसने जो कुछ लिखा है वो 1817 to 1821, काउंट करें जरा कितना बड़ा इसका राइटिंग करियर है, जस्ट 4 साल, 4 years, वो भी अगर आप ईयर को देखें तो ये 3 साल और कुछ माह बनते हैं, इतना सा इसने इसका करियर है, इतना छोटा सा इसका करियर है। इसमें इसने थोड़ी सी राइटिंग की है और ये दुनिया में फेमस हो गया अपनी थोड़ी सी राइटिंग की वजह से। और आपने पॉइंट जेन में रखना है कि इसके वालदैन इसको सर्जन डॉक्टर बनाना चाह रहे थे, ये पॉइंट आपने क्रॉस मैच कर लेना है। बहुत से रोमांटिक जो राइटर थे ना, बहुत से रोमांटिक राइटर, इनके पेरेंट्स का यही ख्वाब था कि हमारा जो जानशीन बने और ये डॉक्टर बने और ये इंजीनियर बने, ये सर्जन बने, इस तरह के ख्वाब ही थे उनके भी एजुकेशन के हवाले से। जॉन एशबरी जो पार्ट वन का पोइट है, उसके भी पेरेंट्स ने उसको डॉक्टर बनाना चाहा, लेकिन वो पेंटर बनना चाह रहा था। इसी तरह इसको भी इसके पेरेंट्स ने सर्जन बनाना चाहा, लेकिन ये एक पोइट बना, यही इसका शौक था। इसके बाद जी जी बोले क्या कहे? ये ब्लड की वॉमिटिंग किसको हुई थी, शैले को या इसको, कीट्स को? कीट्स की बात कर रहा हूँ, शैले को तो मैंने सिर्फ इतना सा जोड़ा है कि शैले इसका दोस्त था और इस उसने इस पे एलसी लिखी। और दूसरा वाक्या मैंने ये इसके साथ लिंक किया है कि जब शैले भी इटली जा रहा था, वो भी स्विट्जरलैंड जा रहा था, शैले स्विट्जरलैंड जाते हुए रास्ते में उसकी कश्ती उलट गई, वो मरा हुआ मिला, पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टर ने कहा कि इसने खुदकुशी किया। मैंने बताया था उसने 2 शादियां की थी और अपनी शादी लाइफ, अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ से वो मुतमिन नहीं था। पहले वाली उसकी वाइफ ने भी सुसाइड किया था, मैंने इसके ऊपर डिटेल से रोमांटिक एज बताते हुए बताया था। और उसके बाद दूसरी वाइफ से उसने इसको सही लिफ्ट नहीं करवाई, अगले का बदला हुआ इसके साथ। बहरहाल बड़ा डिजेक्टेड करेक्टर था शैले, और लास्ट पे वो मरा हुआ मिला। उसकी पोस्टमार्टम जो उसकी जो रिपोर्ट थी पोस्टमार्टम की, वो बता रही थी कि वो उसने सुसाइड किया है, क्योंकि समंदर में कोई तुगयानी नहीं थी और कश्ती उलटने का कोई सबब नजर नहीं आ रहा था, जबकि ये सिचुएशन बता रही थी उसने सुसाइड किया है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में भी बता चुका हूं, उसके भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया था कि उसने सुसाइड किया है। एक जजीरे के ऊपर एक दरख्त के पास उसका सर फूटा हुआ वहां मरा पड़ा था हेमिंग्वे, और जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बताया उन्होंने कि इसने खुद अपने सर टक्कर मारी दरख्त के साथ और मर गया। बरल ये कुछ क्रॉस लिंक कर रहा हूं ताकि आप इन राइटर्स का, इनकी डेथ का आपके माइंड में स्टोर हो जाए। शैले कैसे मरा,
जॉन कीट्स जब रोम इटली जा रहा था तो रास्ते में इसकी तबीयत खराब होती है, बैरी जहाज के थ्रू ही जा रहा था वो समंदर के रास्ते से, और इसने ब्लड वॉमिटिंग की, जिसके बाद इसको तेज बुखार हुआ, इसको दो दफा लंग्स का हेमरेज हुआ दो दफा, और सख्त तबीयत खराब हुई इसकी। सिर्फ एक साल पहले इसके भाई की भी हालत यही थी, और अपनी मौत से एक दो साल पहले, बस इतना सही ध्यान में रखें कि अपनी मौत से एक दो साल पहले, जी सर, इसको इसकी बिलावड मिलती है, और उसका नाम आपने फेनिप्रॉन आपने ध्यान में रखना है, ये इसकी बिलावड का नाम है। और जब अपने ब्रदर छोटे भाई की एक साल पहले टॉम को लुक आफ्टर कर रहा था, ये माँ तो उसकी मर गई थी, 10 साल पहले की मर गई थी 1810 में, अब ये लुक आफ्टर कर रहा था, इसके बाप की भी डेथ हो गई थी, माँ की भी डेथ हो गई, इसका भाई भी मर गया, अब चौथी बारी इसकी थी, तो ये उसकी लुक आफ्टर कर रहा था एक साल पहले। तो जब फैनी ब्रॉने को मिला, तो फैनी ब्रॉने उसको पता था कि ये भी ट्यूबरक्लोसिस का मरीज है, और इसकी पूरी फैमिली इसी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मर गई है। इसने कुछ लव लेटर भी लिखे थे फैनी ब्रॉने की याद में, और अपनी मौत को इसने बड़ा बड़ा डिजेक्शन में पेंट किया। आप जानते हैं बीए में इसकी पोइम है आई हैव अ फियर व्हेन आई हैव फियर्स। यस सर। सर इसमें इसने अपनी बिलवर्ड का भी जिक्र किया। जी अब ये जो डर था ना, ये मौत के डर था, उसको अपनी लास्ट वाली चार लाइंस में अपने बिलव्ड का भी नाम लेके उसके हवाले से उसको एड्रेस करता है, जिसमें कहता है जब मैं सोचता हूँ कि ये सितारों को रात की जो रोमांटिक नाइट है उसको देखने से पहले मर जाऊंगा, स्टार्ट में कहता है कि किताबें लिखने से पहले मर जाऊंगा, लास्ट पे जाके कहता है अपनी बिलव्ड के साथ मैं रोमांस करने से पहले मर जाऊंगा, मैं उसके साथ अपनी यादों को फर्दर कैरी ऑन नहीं कर सकूंगा, और रात की रोमांटिक नाइट जब सितारे चमक रहे होते हैं तो उसको नहीं देख पाऊंगा, तो मुझे डर लगता है, यही उसका व्हेन आई हैव फियर्स आफ्टर थिंकिंग सो, ऐसा ऐसा सोचने के बाद जब वो सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रहूंगा, अपनी बिलव के साथ भी नहीं रहूंगा। अब फैनी ब्रॉने भी इसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि इसकी जिंदगी बहुत इसी तरह कंसर्न में है, अनसर्टन इसकी लाइफ है, और ये किसी भी टाइम पे मर सकता है। अब ये तो बातें होगी उसके ऊपर, उसका करियर जो है, और एक बात इसके साथ ही शेयर कर दूं, इसके जितने भी ओड आपने पढ़े हैं, आपके सिलेबस के जितने भी ओड हैं, इसके ओड्स की जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो आपको आनी चाहिए। इसकी जिंदगी का सबसे जो पीक टाइम था जिसमें इसने सबसे पीक लिखा, वो इसकी जिंदगी का ओड वाला टाइम ही था, और ओड्स की जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है उसको याद करना इतना मुश्किल नहीं है। उसके लिए अब देखें जरा, ये टोटल इसका राइटिंग करियर है 1817 से 1821 तक, इसका सेंटर क्या बनेगा जरा बताएं मुझे, सेंटर क्या बनेगा इसका, सेंटर 1817 से 1821 तक सेंटर क्या बनेगा सर? 2.5 ईयर के बाद फिर वो बनता है, अगर 4 साल को हम करें तो 2.5 साल के बाद का बनता है ये फिगर। चले इस सारे करें तो जॉन कीट्स का जो आपके सिलेबस की ओ टू नाइटिंगेल है, ओ टू ग्रेशियन अर्न है, ओ टू ऑटम, ओ टू फैंसी, और जितने ये जो इसके बड़े बड़े ओड है ना, इनका एक ही सन, इसका एक ही सन है, यानी ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। आप इसकी जिंदगी का जो अरूज टाइम है ना, वो है 1819 वाला। इसके सारे आपके सिलेबस की ओड 1819 में पब्लिश हुए हैं, और यही उसकी रिटर्न डेट है, यही उसकी पब्लिकेशन डेट है। इसको आप मेमोराइज कर लें, 1819 का जो साल है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन जॉन कीट्स लाइफ, बिकॉज ही रोड द मोस्ट फेमस ओड्स ऑफ हर लाइफ इन टू दैट ईयर। इसी साल में उसने अपनी जिंदगी के सारे फेमस ओड लिखे हैं, और उन्हीं ओड्स की वजह से उसको इतनी बड़ी रेपुटेशन मिलती है। अच्छा, एक तो ये हो गया। इसके बाद जो अगला साल आया 1820 का, उसमें उसने आइपेरियन लिखी है,
और इससे तो लास्ट इसकी जिंदगी का आखिरी साल आया, इसने अपनी जिंदगी में जो आखिरी पोइम लिखी है वो लिखी है एंडमियन। अब ये आपने जस्ट लास्ट पोइम ऑफ हिज लाइफ दिस एंड दैट्स एंडमियन। हाइपेरियन क्या, इसमें डिवाइन किस्सा है जिसमें आपको करेक्टर्स के नाम मेमोराइज कर लेना इसके, जैसे सैटर्न का करेक्टर है वो कौन था, सारे खुदाओं का बाप बना हुआ था सैटर्न, उसके दो बेटे हैं ओलंपिया और जो हाइपेरियन जो टाइटल है, हाइपेरियन भी सैटर्न का बेटा था, इसका दूसरा भाई ओलंपिया था। हाइपेरियन बड़ा अच्छा था, बड़ा नाइस था, बड़ा ओबीडियंट था, इतना ही खराब था दूसरा इसका भाई ओलंपिया, वो मॉडर्निटी की अलामत और ये ट्रेडिशन की अलामत। अब उसने अपने फादर को खुदाई तख्त से उतार के जमीन पे फेंक दिया। सो शॉर्टली मैं इस पे पहले भी बता चुका हूं, आपने जस्ट ये चंद करेक्टर्स के नाम मेमोराइज कर लेने हैं, सैटर्न, ओलंपिया और हाइपेरियन की जो वाइफ है थिया, ये चार करेक्टर्स के नाम काफी हैं। अब हम बात कर रहे थे कि इसकी जिंदगी का जो रूच है, इधर मैं लिख देता हूं ओड्स, इसके सारे ओड्स जो आपके सिलेबस के हैं वो 1819 में लिखे हुए हैं, 1820 में हाइपेरियन लिखा, 1821 में इसने एंडमियन लिखा, और अब कुछ और। ये तो वो चीजें हैं जो आपने जिनको टच किया हुआ है, और मैं जस्ट एमसीक्यूज के पॉइंट्स को रिवाइज करवा रहा हूं कि आपने इनको मेमोराइज करना है। अब कुछ और इसके करियर की पोइम्स हैं जो बाकी बहुत फेमस हैं। एक इसके करियर की पोइम है, इससे हट के आपने उसको रेडी करना है, उसका नाम है जी द ईव ऑफ एस्टी एग्नेस। ये एक रोमांटिक लव स्टोरी है, दूसरी तरफ इसके अंदर एक ऐसी फैमिली है, फ्यूडल फैमिली है, और जो फ्यूडल फैमिलीज होती हैं या बड़े जो बड़े इगोइस्टिकल फैमिलीज होती हैं जो रीजनेबल होती हैं, वो सम टाइम लव के खिलाफ होती हैं। तो इसमें वही फैमिली का क्लैश, पता किस तरह का क्लैश है, इस तरह रोमियो एंड जूलियट के अंदर क्लैश है। रोमियो और जूलियट की दोनों फ्यूडल फैमिलीज जो थी एक दूसरे के सख्त मुखालफ थी, वो एक दूसरे को देख के इतना लड़ते थे, जब भी आमना सामना होता तो मौत पे उनकी लड़ाई खत्म होती रोमियो और जूलियट के अंदर। आई होप कि आप सब ने ये शेक्सपियर की ये ट्रेजेडी देखी होगी, एक रोमांटिक ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, रोमियो एंड जूलियट। और याद रखिएगा द ईव ऑफ एस्टी एग्नेस, ये जो कहानी है ये रोमियो एंड जूलियट के प्लॉट से ही इसको लिया गया है। जैसे मैंने आपको पहली ट्रेजेडी एस्काइलस की जिसका टाइटल था ओरेस्टिया, मैंने बताया था कि मॉडर्न दौर में द मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, ये वहां से ली गई है। इसी तरह ये जो दोनों कहानियां है, यानी द ईव ऑफ एस्टी एग्नेस, ये जो रोमांटिक लव स्टोरी है, ये जॉन कीट्स ने शेक्सपियर की कहानी रोमियो एंड जूलियट से इसको अक्स किया है जी। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके साथ ही जो वर्ड ऑड है, इसका मीनिंग भी एमसीक्यूज के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी ऑड एक क्लासिकल सॉन्ग को कहते हैं जिसमें किसी फिनोमेना को या किसी बेजान चीज को एड्रेस किया जाए। ऑड इज अ क्लासिकल नेम ऑफ एनी पोइम आर सॉन्ग। In which a poet addresses to any abstract or any abstract bird or lifeless phenomena. ये है ओल्ड की प्रॉपर डेफिनेशन। अगर मैं इसकी वजाहत करूं तो क्लासिकल नाम है किसी पोइम का, किसी गाने का, किसी नज़म का, जिसके अंदर शायर किसी बेजान चीज को कभी कभी एड्रेस करता है, कभी परिंदे को एड्रेस करता है, और कभी किसी बेजान चीज को, कभी किसी ख्याली चीज को। आप जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ओड टू फैंसी आ जाएगा, बर्ड के अंदर ओड टू नाइटिंगेल आ जाएगा, लाइफलेस फिनोमेना में क्रिएशन अर्न आ जाएगा,
तो इसको कहते हैं ओड। एक इसकी पोइम का नाम है लेमिया, LAMIA, लेमिया एक इसकी पोइम का नाम है। उसकी लाइन्स को मेमोराइज कर लें, आपको पता होना चाहिए। ओड टू मेलंकली भी, बल्कि वो इसका नहीं है, सॉरी। ये जो लेमिया इसकी पोइम है नैरेटिव्स, ये जो इसकी पोइम है इसकी 708 इसकी लाइन्स है। पर ये भी इस कदर इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमने इसके ऊपर डिस्कस कर लिया है। ये पॉइंट इसके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं इसकी एक लाइन कोट कर रहा हूँ, आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोइट्स आफ्टर माई डेथ, ये इसके अल्फाज हैं। ये भी इसकी एक मशीन कोई थी अपने बारे में कि मेरा नाम अंग्रेज पोइट्स में शामिल होगा मौत के बाद। इसके टॉमस्टोन के ऊपर क्या लिखा हुआ था, एक तो जॉन कीट्स की जो कब्र है, इसकी जो ग्रेव है वो आपने जेन में रखनी है। इटली में आ जाए वो भी, इटली रोम आज मतलब एक ही है, रोम इतना सुकड़ के इटली बना हुआ है, तो इटली के अंदर या रोम के अंदर इसकी कब्र है। जो भी इनमें से एक ऑप्शन देगा आपने इसको मेमोराइज कर लेना है। रोम आज वो इटली तक महदूद है बस। तो जो इसने इसके कतबे के ऊपर लिखा हुआ है, द वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन हिज टॉमस्टोन, वो वर्ड आप नोट कर लें, हियर लाइज, मैंने शैले की कब्र और उसके कतबे पे क्या लिखा वो भी बताया, शेक्सपियर के ड्रामे टेम्पेस्ट की लाइंस लिखी हुई हैं जो एरियल ने बोली थी। और इसके कतबे के ऊपर, इसकी कब्र के ऊपर जो कतबा है, मैं आपको इसकी पिक्चर भी शेयर करूंगा, इसकी जॉन कीट्स की कब्र, ताकि वो पिक्चर आप संभाल के रख लेना, उससे भी आपको याद आ जाएगा कि इसकी कब्र किधर है और इसकी कब्र के ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर आप इसी का स्क्रीन शॉट ले लेते हैं तो वो भी, ये भी आपको ये चीज रिमाइंड करवा देगा। हियर लाइज वन, यहाँ वो लेटा है हुज नेम वाज रिट इन वाटर। आप जानते हैं कि पानी पे कुछ लिखा तो नहीं जा सकता। ये एक बड़ी बड़ी लाइन है जो एलेगोरिकल सी लाइन है, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। इस लाइन को जरा समझिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि जिसका नाम पानी पे आ जाए ना, तो पानी, वैसे तो पानी पे लिखा नहीं जा सकता, तो पानी पे नाम का आ जाना ये इस बात की दलील है कि इसका नाम नस्लों तक महफूज रहेगा, बल्कि क्यामत तक महफूज रहेगा। जब तक लिटरेचर की दुनिया है, जब तक पानी है, पानी पे अगर नाम तो पहले लिखा ही नहीं जाता, जब लिखा जाए तो पानी जो है वो इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड रहता है। तो इसका नाम और बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जैसे शेक्सपियर है, जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, ये सारे राइटर्स जो हैं, सदियां बीत गई हैं लेकिन अभी तक इनका नाम जो है, जैसे पानी का फ्लो आगे आगे चलता जाता है, इसका नाम भी आगे आगे मूव करता जा रहा है। हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर, ये वाला, ये लाइन भी आपने रेडी करनी है। आज मैंने आपको तीन किस्म के ये बताए हैं कि इसके टॉमस्टोन के ऊपर ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और जॉन कीट्स ने क्या बोला था, आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोइट्स आफ्टर माई डेथ। और इससे पहले ये जो एडोनिस की लाइंस, मैंने इधर उसकी वजाहत की है कि उसकी लाइंस हिज फेट एंड फेम शैल बी एन इको एंड अ लाइट अनटू इटर्निटी। तो ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स, इनको मेमोराइज रखें। ओके, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे इम्पोर्टेंट। सर जी, जी 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 बताएं।